एयर फिल्टर की हालत देखें क्या हो गया। अच्छा ये वाला ऑयल मैंने डलवाया है इसमें CB150 में। इसमें दो तरह के ऑयल आते हैं, एक ऑयल ये आता है और एक ऑयल आता है। और सबसे अच्छी जो बेनिफिशियल चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी होती है हर बाइक में, और मैं कहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए, वो ये घड़ी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। यार आज मैंने बेसिकली बाइक की ट्यूनिंग और मेंटेनेंस वगैरह करानी है, जिसमें एयर फिल्टर चेंज होगा, इसकी ट्यूनिंग होगी और दो तीन और काम हैं, ब्रेक ब्रेक टाइट कराने हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज मैंने सोचा है कि एक मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊं इस सारी चीज़ों को लेते हुए कि मैं कहां से ट्यूनिंग करवाता हूं, एयर फिल्टर कितने का चेंज होता है, और दूसरा ये कि और क्या क्या खर्चे होते हैं एक बेसिक ट्यूनिंग में, क्योंकि एयर फिल्टर 4000 किलोमीटर पर चेंज होता है हमेशा, बट ये कि ट्यूनिंग, ऑयल चेंज और ये सारी चीज़ें मैं रेगुलरली करवाता रहता हूँ। तो ऑयल चेंज है, ट्यूनिंग है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें करवानी है बाइक की, प्लस बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन की है मैंने सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत, तो वो दिखानी है आपको। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। चलें फिर चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलें जी, ये है 5-स्टार होंडा सर्विस सेंटर। मैं यहीं से अपनी बाइक की ट्यूनिंग और वो सब करवाता हूँ, ऑयल चेंज, ट्यूनिंग वगैरह। तो अभी बाइक की मेरी बारी आ गई है और बाइक जो है वो आप देख सकते हैं कि बाइक स्टैंड पे लग गई है। एयर फिल्टर की हालत देखें क्या हो गया। अब नया एयर फिल्टर डलेगा। अच्छा, एयर फिल्टर जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज करें, तो वरना अगर आप 2000-2500 के बाद आए तो इसी को साफ़ करके यूज़ कर लिया जाता है। तो मैंने 2000 मतलब ये वाला एयर फिल्टर जब लगाया था उसके बाद 1500-2000 किलोमीटर के बाद में आकर मैंने इसकी सर्विस करवा ली थी, मतलब वॉश करवा लिया था, बट अब ये बिल्कुल ही फारिग हो चुका है। तो अब मैं ये चेंज कराऊंगा क्योंकि आगे एक दो लंबी ट्रिप्स हैं, तो फिर मैंने कहा यार नया फिल्टर ही डाल दो। तो ये वैसे रिकमेंडेशन ही होती है कि आप इजीली 4000 किलोमीटर चला लेते हो एक एयर फिल्टर के साथ। यहाँ पे इनके पास पार्ट्स भी मिल जाते हैं, एयर फिल्टर, ब्रेक पैड, ये सारे चीज़ें। तो ये नया एयर फिल्टर, इसकी कंडीशन आप देखें कितनी साफ़ सुथरी है। एक लीटर वाला डलवाएं, ये अच्छा रहता है, ये रिकमेंडेड बाय ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है कि आप ये डलवाया करें। तो काम एयर फिल्टर डल गया, ऑयल डल गया और अब सीट पैक हो गई।
मिक्सिंग वगैरह तो नहीं कर रही ना? 80 के बाद कर रही है, वैसे नहीं रखती, वैसे सही है। उस दिन बस खुला रोड था तो मैंने मंडी ना, तो वो 80 भाई। अब मैं बताता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें अभी बाइक में लगाई हैं, दो तीन हैं। एक तो ये नेट, सीट नेक, नेट इसको बोलते हैं, सीट पे जाली लगती है ये। इससे एक तो लुक बहुत ज़बरदस्त आ गया है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लगी है। दूसरा, इससे सीट आपकी सेफ रहती है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाती है सीट। तो मैंने कंपेयर किया पुरानी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सीट थी उस पर जब ये नेट लगा दिया तो मुझे काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट कर दी। तो ये एक चीज़ ये लगवाई मैंने, ये मुझे मिली है 700 रुपये की, और ये मैंने औरंगजेब मार्केट में बाबू ऑटोज है वहाँ से लिया। सेकेंडली मैंने लगाया है ये वॉच, टाइमर और बेसिकली चार्जर। तो इसमें इसको मैं ऑन करता हूँ अभी। इसमें बेसिकली दो चार्जिंग स्लॉट है, लाइटर है। तो ये ऑरेंज हो रहा है, इट्स मीन कि ये वर्क कर रहा है। तो ये एक इसका लाइटर है और दो इसमें स्लॉट है। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। और सबसे अच्छी जो बेनिफिशियल चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी होती है हर बाइक में, मैं कहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए, वो ये घड़ी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई ये मैंने लगवाया, ये भी बाबू ऑटो से मैंने लिया। ये मुझे मिला 1450 रुपये का, 1450 का, और फिटिंग मिटिंग के उसने 200 रुपये लिए। ये इस तरह से यहाँ पे ये फिट हो गया, ठीक हो गया भाई। और तीसरी चीज़ जो मैंने लगवाई वो ये है हैंडल के रबड़। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, इससे अब हाथ दुखता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरा, अब लुक और भी थोड़ी सेक्सी हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी बाइक की, ट्यूनिंग व्यूनिंग थी, ऑयल चेंज था, आज का कंप्लीट डिटेल वीडियो थी, प्लस कुछ चीज़ें थी वो मुझे स्टॉल की, मैंने वो लगवाई, वो बताई आप सबको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं।
मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।